नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सोफ्तामो एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ सोफ्तामो की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। हर बार की तरह इस बार भी कुछ अलग विषय अलग टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होने जा रहे हैं। आज का हमारा यहाँ पे विषय है जो पर्टिकुलर फिलीपींस की एक यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसका जिक्र आज तक हमने यहाँ पे हमारे वीडियो में नहीं किया हुआ है। उस यूनिवर्सिटी का नाम है लाइजियम नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब जरूर से कर ले ताकि आने वाले दूसरे वीडियो के भी आपको बेनिफिट मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, बात शुरू करते लाइजियम नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के बारे में। लाइजियम नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो ये यूनिवर्सिटी दागुपान सिटी है फिलीपींस के अंदर, वहां पे आया हुआ है। यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था करीबन 1969 को, यानी कि काफी पुराना यूनिवर्सिटी यहाँ पे आप बोल सकते हो। यूनिवर्सिटी जो सिटी में आया हुआ है दागुपान के अंदर, दागुपान का अगर हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द मेन कैपिटल मनीला, मनीला से करीबन उसका डिस्टेंस जो है 228 किलोमीटर है। सिटी की अगर बात की जाए तो एरिया जो उसका है, ज्योग्राफी एरिया, वो करीबन 45 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो करीबन 1,80,000 के आसपास की पॉपुलेशन है सिटी के अंदर। दागुपान सिटी की अगर दूसरी खास बात जानी जाए यहाँ पे तो मेजर कॉमर्शियल एंड फाइनेंशियल सेंटर बोल सकते हैं मनीला के लिए। उसके अलावा मॉडर्न मेडिकल सर्विसेज के अंदर ये नंबर 1 पे आता है सिटी। यहाँ पे अगर ये बात जानी जाए कि इंडिया से दागुपान अगर जाना है तो कैसे जा सकते हैं, बेसिकली दागुपान के अंदर खुद का कोई एयरपोर्ट अवेलेबल है नहीं, तो आपको इंडिया से यानी कि दिल्ली से या दूसरे कोई भी सिटी से मनीला जाना पड़ेगा, और मनीला से बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है। बाय रोड अगर हम लोग बात करेंगे करीबन, जैसे हमने बोला 230 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस हो जाता है वहां पे, यानी कि करीबन 3.5 घंटे का ट्रैवलिंग रहेगा। तो टोटल अगर ड्यूरेशन की बात करेंगे तो एयर ट्रैवलिंग जो है 12 से 15 घंटे का रहेगा आपका इंडिया से। उसके अलावा 3-1 घंटे का सफर आपका रहेगा वो रहेगा बाय रोड रहेगा, यानी कि 15 से 16 घंटे का ड्यूरेशन आप गिन के चल सकते हो। डिफरेंट फ्लाइट्स अवेलेबल है मनीला जाने के लिए दिल्ली से। मलेशियन एयरलाइंस है, कैथे पैसिफिक एयरलाइंस है, कतार एयरवेज है, एयर इंडिया है और अमीरेट्स है। उसके अलावा भी दूसरी कंपनी की फ्लाइट्स वहां पे जाती रहती। अगर दागुपान की बात करी जाए क्लाइमेट के बारे में तो नॉर्मल क्लाइमेट यहाँ पे इंडिया में जैसा गोवा या मुंबई के अंदर आपको फील होता है, वैसा ही सिमिलर वहां पे फील करने को मिलेगा, बिकॉज वो दरिया के नजदीक आया हुआ है। क्लाइमेट की बात की जाए तो मिनिमम में मिनिमम 20 डिग्री तक जाता है और मैक्सिमम आपको वहां पे 39 तक फील होगा। अभी यहाँ पे हम लोग लाइजियम नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो यूनिवर्सिटी का जो बेसिकली एक्चुअल नाम है डॉक्टर फ्रांसिस्को क्यू ड्यूक मेडिकल फाउंडेशन का एक्चुअल नाम है, और ये यूनिवर्सिटी जो है वो एफिलेटेड है लाइजियम नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी साथ। इसके लिए इसको जाना जाता है लाइजियम नॉर्थ वेस्टर्न मेडिकल यूनिवर्सिटी के नाम से। कोर्स ड्यूरेशन की अगर बात की जाए तो फिलीपींस का एजुकेशन सिस्टम, जैसे आप सबको पता है वहां पे बीएसएमडी का कोर्स बोला जाता है। फिलीपींस जो है वो यूएस ने रूल किया था वहां पे, तो उसकी वजह से वहां पे जो ड्यूरेशन है आपका यहां पे 10+2 का है, वहां पे 10+4 का सिस्टम चलता है। तो 2 साल का जो ड्यूरेशन का डिफरेंस है वहां पे आपको बीएस कोर्स से कवर करना पड़ता है। बीएस कोर्स जो वहां पे रहता है वो करीबन 14 से 18 महीने का रहता है। उसके अलावा उसके बाद आपको एक एडमिट की एग्जाम देनी पड़ती है, और एडमिट की एग्जाम के बाद एमडी कोर्स जो रहता है वो 4 इयर्स का रहता है। और यहाँ पे 4 इयर्स का जो एमडी है उसके अंदर 1 ईयर का रिकॉग्नाइज इंटर्नशिप इंक्लूड है। अगर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। एक्रेडिटेशन की अगर बात की जाए तो यूनिवर्सिटी के पास एमसीए का एक्रेडिटेशन तो है, उसके अलावा वहां पे ECFMG का एक्रेडिटेशन है जो कि रिक्वायर्ड है यूएस के अंदर अगर आपको पीजी करने जाना है तो। उसके अलावा जीएमसी का एक्रेडिटेशन है जो कि लागू होता है आपका यूके के लिए, अगर आपको यूके में जाके प्रैक्टिस करनी है और वहां पे पीजी करना है तो। और उसके अलावा भी जो रिक्वायर्ड एक्रेडिटेशन वो सब अवेलेबल है उसके पास। बजट की अगर बेसिकली बात की जाए तो जैसे हमने आपको बताया कि वहां बीएसएमडी कोर्स है, तो बीएसएमडी कोर्स का टोटल ट्यूशन फीस जो रहता है वो करीबन 18 से 19 लाख के बीच में आप काउंट करके चल सकते हैं पूरे 5.5 साल के लिए। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे एकोमोडेशन, फूड एंड एवरीथिंग आप काउंट करते हो तो मैक्सिमम बजट आपका वहां पे जाएगा 27 से 30 लाख के बीच में। अगर एकोमोडेशन की बात की जाए तो यूनिवर्सिटी का खुद का भी एकोमोडेशन अवेलेबल है। उसके अलावा अगर आपको प्राइवेट एकोमोडेशन की रिक्वायरमेंट है तो वो प्राइवेट एकोमोडेशन फैसिलिटी भी सोफ्तामो की वहां पे अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यहाँ पे बात की जाए तो फिलीपींस की जब आप बात कर रहे हो तो यहाँ पे 2 दफा आपको एलिजिबिलिटी अप्रूव करनी रहती है। फर्स्ट टाइम अगर हम लोग बात करेंगे तो बीएस कोर्स, जिसको हम लोग प्री मेडिसिन बोल सकते हैं, प्री मेडिसिन के लिए अगर आपको वहां पे एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो वहां पे आपका नीट क्वालिफाइड होना आवश्यक है। उसके अलावा वहां पे 12th के अंदर आपका 50% मार्क्स होना जरूरी है पीसीबी के अंदर, जो कि एमसीआई का क्राइटेरिया है। यहां पे एमसीआई के क्राइटेरिया को ध्यान में रखना जरूरी है, उसको नजरअंदाज ना करें। कई लोग आपको ऐसा बोलेंगे कि आपका अगर नीट क्वालिफाइड नहीं है तो आप यूनिवर्सिटी में चले जाइए, बीएस कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, नीट आप उसके पैरेलली क्वालिफाइड कर लेना। लेकिन ये दोनों चीजें क्वालिफाइड करनी काफी ही दिक्कत वाली बात हो सकती है आपके लिए। उसके अलावा जैसे ही बीएस कंप्लीट होता है तो वहां पे एक एनमेट की एग्जाम रहेगी आपके लिए। यहाँ पे कई बार ये भी बात आती है कि कई बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों ने बीएससी इंडिया में कंप्लीट कर लिया हुआ है, तो उन बच्चों को अगर वहां पे फिलीपींस में एडमिशन लेना है एमडी के अंदर तो वहां पे
हो सकता है, लेकिन वहां पे बीएससी करने के बाद एमडी के साथ साथ उनको वहां पे एनमेट का एग्जाम क्वालिफाइड करना पड़ेगा, तभी जाके उनका डिग्री वहां पे वैलिड होगा। उसके बाद अगर तीन मेजर हॉस्पिटल की बात की जाए जो यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, उसके अंदर R1 MC रीजनल 1 मेडिकल सेंटर है, देन स्पेशलिस्ट ग्रुप हॉस्पिटल एंड ट्रोमा सेंटर है, एंड द मेडिकल सिटी पंगा सिन्हा ने। ये तीनों हॉस्पिटल का अगर बेडिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो 1000 से लेके 1200 बेडिंग कैपेसिटी तक के ये हॉस्पिटल है। उसके अलावा दूसरे छोटे हॉस्पिटल्स के साथ एफिलेशन है इस यूनिवर्सिटी का, तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर के बारे में कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। दूसरा, अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट की बात की जाए तो बेसिकली देखिए फिलीपींस के अंदर ओवरफिलिंग का बहुत इश्यू रहता है, काफी सारी यूनिवर्सिटी के अंदर जो सीट्स होती है उससे ज्यादा स्टूडेंट वहां पे एनरोल किए जाते हैं, लेकिन लाइजिम के अंदर आपको वो सिचुएशन देखने को नहीं मिलेंगी। फिलहाल आज की डेट में अगर वहां पे स्टूडेंट की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो वहां करीबन 600 से 800 स्टूडेंट आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी बात, यहां पे अगर फूड के बारे में बात करेंगे तो इंडियन रेस्टोरेंट एंड इंडियन मैस अवेलेबल है। उसके अलावा भी अगर आपको वहाँ पे टिफिन सर्विस भी चाहिए तो टिफिन सर्विस भी वहाँ पे अवेलेबल हो जाती है, तो खाने के बारे में कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा अगर सेल्फ कुकिंग करना है तो वो भी एक बेटर ऑप्शन बोल सकते हैं आप अपने लिए। अगर यहाँ पे FMG के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 12 से 14 के अंदर यहाँ पे उतने ज्यादा स्टूडेंट गए नहीं थे, तो उसका आपको यहाँ पे रिजल्ट शो करने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे 15 से 18 की अगर हम लोग बात करेंगे तो 15 से 18 के अंदर करीबन 23 बच्चों ने एग्जाम दिया था और 11 बच्चे वहाँ पे क्वालिफाइड हुए थे, यानी कि यहाँ पे अगर रिजल्ट की बात की जाए तो करीबन 47.83% रिजल्ट था यहाँ पे। उसके अलावा अगर 19 की बात करेंगे तो 19 के अंदर आपको उसके जो यूनिवर्सिटी का नाम है उसके नाम से आपको यहाँ पे एंट्री देखने को मिलेगी, डॉक्टर फ्रांसिस्को के नाम से। वहाँ पे करीबन 14 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था और 7 स्टूडेंट क्वालिफाइड हुए थे, यानी कि यहाँ पे जो रिजल्ट है वो करीबन 50% के आसपास का आपको देखने को मिलेगा, तो काफी ही बेटर रिजल्ट आप बोल सकते हो यहाँ पे अगर FMG के रिजल्ट के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो। भी यहाँ पे बात आती है ऑफ्थाल्मो क्यों इसको प्रीफर करता है, यूनिवर्सिटी क्यों सजेस्ट कर रहा है ऑफ्थाल्मो आपको। सबसे पहली बात आती है, एक तो मोस्ट इकोनॉमिकल यूनिवर्सिटी इन द फिलीपींस है विद द कंप्लीट इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। उसके अलावा ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स है यहाँ पे BS का शॉर्टेस्ट कोर्स है, यहाँ एक पीसफुल एनवायरमेंट वाला सिटी बोल सकते हो दागोपन को आप, वहाँ पे कोई क्राइम रेशियो आपको देखने को नहीं मिलेगा। अदरवाइज मेट्रो सिटी में आप जाते हो तो वहाँ पे क्राइम का थोड़ा बहुत आपको दिक्कत रहता है। दूसरी चीज है एजुकेशन का स्ट्रिक्टनेस, मेडिकल एजुकेशन में अगर स्ट्रिक्टनेस नहीं होगी तो हम लोग हर बार बोलते हैं आपको कि स्ट्रिक्टनेस होनी आवश्यकता, अगर नहीं होगी तो आपका रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क आपको नहीं देखने को मिलेगा, और अगर रिजल्ट प्रॉपर नहीं रहेगा आपका तो यहाँ पे आके नेक्स्ट की एग्जाम है FMG के एग्जाम है वो आपको क्वालिफाइड करने में दिक्कत होने वाली है। तो स्ट्रिक्टनेस एक बोल सकते हो कि खास पहलू है यूनिवर्सिटी का। दूसरी बात है यहाँ पे क्लाइमेट की वजह से जो डिसीज है या जो भी बीमारियां है वो कंपेयर टू इंडिया आपको सिमिलर देखने को मिलती है, और वहाँ पे आपको वही चीज़ का प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिलता है जो कि आपको बेनिफिट करेगा नेक्स्ट की एग्ज़ाम के अंदर। क्योंकि नहीं, जो FMG का एग्ज़ाम था इट्स ओनली थियोरिकल बेस्ड एग्जाम, बट नेक्स्ट का जो एग्ज़ाम आ रहा है वो थियोरी प्लस प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम होने वाला है, तो वहाँ पे जितना प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको ज़्यादा मिलेगा उतना आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है कि एक्सपीरियंस फैकल्टी एंड प्रोफेसर जो है यहाँ पे, ऐसे भी टीचर्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे जिन लोगों ने अपना PG US UK के अंदर कंप्लीट किया हुआ है, या तो रेसिडेंसी वहाँ पे कंप्लीट की हुई है और उसके बाद वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आपके आके आपको पढ़ाई दे रहे हैं। दैट मीन्स एक इंटरनेशनल एक्सपोजर वाला फैकल्टी ग्रुप आपको मिल रहा है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। दूसरी बात आती है, कई बार पेरेंट्स का एक क्वेश्चन रहता है गर्ल्स से तो सेफ्टी की बात क्या है यहाँ पे, तो गर्ल्स के लिए सेफ स्पेस बोल सकते हो आप यहाँ पे, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है स्टूडेंट को। एंड सबसे बड़ी बात आती है लोकल सपोर्ट सिस्टम ऑफ द ऑफ्थाल्मो, वो वहाँ पे आपके पास अवेलेबल रहेगा। तो आई थिंक दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर लाइजिम नॉर्थ वेस्टर्न मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और शेयर करना ना भूले। फिर से मेरा निवेदन है आपसे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब जरूर से कर ले, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है कोई भी क्वेश्चन है दिए गए नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा मेल भी करना है आपको तो दिए गए मेल आईडी के ऊपर मेल कर सकते हो, एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना चाहते हैं वीडियो के तो कमेंट भी कर सकते हो। उसके अलावा चैट सेक्शन तो हमारा अवेलेबल ही है, वहाँ पे हमारा एग्जीक्यूटिव जो है वो आपको आंसर देने के लिए रेडी है। तो ये वीडियो देखने वाले सभी दोस्तों को मेरा धन्यवाद एंड टेक केयर।